मॉर्निंग, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो बने रहिए। ये देखिए मेरा स्टार्टर रूटीन हो गई है, सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। सुबह मैंने आज वही टमाटर की फ्राई वाली चटनी बनाई है और वही जीरा डाल के और थोड़ा सा प्याज डाल के, क्योंकि मैं और इश्यू बस थी तो बस हो गया, ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो मुझे थोड़ी टमाटर की चटनी पसंद भी है, खट्टी रहती है तो अच्छी भी लगती है, तो बस वही बनाई और उसके साथ रोटी बनाई हूँ। टमाटर की वही जीरा वाली चटनी थोड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इशू तो मेरा नहीं पसंद करता है, बट उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाऊंगी, जो खा लेगा तो अच्छी बात है, वरना उसको कुछ जैम वगैरह से दे दूँगी रोटी। तो बस वही आज सुबह का मॉर्निंग रूटीन वही थी, टमाटर की चटनी और रोटी के साथ, क्योंकि मैं और ईशु बस थे और आज घर में कोई नहीं था तो बस हो गया, ऐसे ही हम लोग बना लिए। और रोटी थोड़ी मैंने आज बड़ी ही साइज में बनाई थी, क्योंकि ठंड में थोड़ी मोटी मोटी रोटी बना दो सही रहता है, टाइट रोटी तो अच्छी लगती है खाने में, वरना वो जल्दी से मुलायम हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। कड़क रोटियाँ भी ज़्यादा पसंद आती है, तो बस वही मोटी मोटी रोटी बनाई थी। तो थोड़ी लग रहा था कि देसी स्टाइल मेरा लग रहा था, जैसे गाँव की रोटियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा शाम का आज सुबह का ये खाना था। और बस इसके बाद फिर ईशु को अमरूद देखा तो उसको जिद करने लगा कि मुझे अमरूद खाना है, बट उसको मैंने ऐसे देना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उसको सर्दी जुकाम और खांसी दोनों ही है, बट वो मानता ही नहीं है। तो बस उसको मैंने सोचा कि भूल देती हूँ, शायद नुकसान इसलिए इसकी वजह से नहीं करेगा। तो उसको चार टाइप में मैंने बना के और दिया, तो जिससे सही रहेगा, नुकसान नहीं करे शायद से। हेलो फ्रेंड। और इसके बाद मैं आ गई छत में धूप। गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों के यहाँ धूप निकली है, तो वही मैं थोड़ी सी आई हूँ छत में बैठने, क्योंकि दो दिन से बिल्कुल धूप ही नहीं थी, तो आज धूप है तो लग रहा है धूप से तो उठने का मन ही नहीं हो रहा है, तो वही थोड़ा धूप सेक रहे हैं। ऐसु और ये मेरा मिट्टी मत खेलो पानी दो, कोई ठंडी नहीं लगती, ये इधर खिलवाड़ में लगे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ठंड से चाहे कुछ भी हो, बच्चे हैं इनको कोई फर्क नहीं। मत करो हाथ गल जाएगा ना। ए पानी। कोई फर्क नहीं कहने का। तो वही मैं थोड़ा धूप ले रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही ठंडी है, थोड़ा सा मैं सोची से हाँ धूप सेक लेती हूँ। और दो तीन दिन के बाद धूप निकली है आज रीवा में, तो वही बैठी हूँ। तो फ्रेंड अब मिलते हैं शाम को। शाम को आज मैंने यही पालक की पूड़ी बनाई है, पालक रखा था पीस के, तो मैं सोची इसको क्या बनाऊँ, तो बस ध्यान आ गया कि मैं पालक की पूड़ी बना देती हूँ तो ईशु भी खा लेगा, तो पालक की पूड़ी ईशु मेरा पसंद करता है, तो बस वही पालक की पूड़ी बनाई हूँ और उसके साथ टमाटर का भरता बनाई थी। जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि अपने लिए इंसान सोचता रहता, बाकी तो घर में सब रहे तो खाना बन जाता, बट सुबह के लिए रहो तो सोचते हैं क्या बनाना है। पढ़ाई कर रहा था कंप्यूटर। अच्छा तुम्हें तुम क्या बनाए थे आज? तुम्हें जड़ी बूटी। काहे की जड़ी बूटी? आम की जड़ी बूटी। आम की जड़ी बूटी किस लिए काम आती है जड़ी बूटी? जब कहीं चोट लग जाती है, कोई मार देता है नाखून से लग जाती है, तो आम तो फिर जड़ी बूटी किसी के पत्ते के जड़ी बूटी से लगा लेते हैं। तो आम के पत्ते से ही जड़ी बूटी बन जाती है क्या? हाँ। पहली बार देखा कि अरे पहले जड़ी पहले तो पत्थर ले लो और फिर क्या जो आम का पत्ता है उसको ले लो, फिर आम के पत्ते को पत्थर से ऐसे ऐसे करो, फिर उसको पानी में डाल दो, फिर उसका पत्ते का रस निकल जाएगा, फिर वो बन जाएगा। अभी ऊपर बनाया था। चलो ठीक है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना जरूरी होता है, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। बेटा भी होमवर्क कर रहा था, बस मैं बैठ गई तो मेरा बेटे की बस बात ही खत्म नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। फिर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लास्ट तक वॉच करें फ्रेंड।